हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो भी नए फॉर्म आते हैं उनके बारे में, योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले हम सरकार रिजल्ट खोलेंगे। यहाँ खोलने के बाद में सबसे पहले नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है PM इंटर्नशिप ऑनलाइन फॉर्म 2024। ये नई PM के नाम से न्यू इंटर्नशिप जारी की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे MCA प्राइम मिनिस्टर और PM इंटर्नशिप स्कॉलरशिप 2024 ऑनलाइन अप्लाई, 80,000 पोस्ट है इसके अंदर। 12 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू हो गई। यहाँ ऑल कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं और इनकी फीस 0 है। यहाँ पर एज लिमिट वगैरह भी दे रखी है। यहाँ पर फॉर्म 12/10/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट कोई भी नहीं है, इसकी लास्ट डेट नहीं दे रखी है अभी। और इसमें एज लिमिट 21 साल से लेकर 24 साल तक दे रखी है। और इसमें 80,000 पोस्ट है लगभग, वो प्लस कर रखा है, मतलब इसकी पोस्ट बढ़ भी सकती है आगे जाके। यहाँ पर क्वालिफिकेशन इसकी 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, मोर एलिजिबिलिटी डिटेल फॉर योर नोटिफिकेशन। यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दे रखी है आपको नोटिफिकेशन इसकी। इसमें एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा 12 महीने का आपको, और मंथली 5,000 रुपये हैं, वन टाइम है जो। यहाँ पर देखो फीस वगैरह सब दे रखी है इसमें। अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन वगैरह सब है डिटेल। यहाँ पर हिंदी में नोटिफिकेशन दे रखा है, इसमें फॉर्म कैसे बनना है या क्या डिटेल है आपको हम इस नोटिफिकेशन के बाद में बताएं। यहाँ ऊपर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाद में। सबसे पहले हम ये हिंदी वाला नोटिफिकेशन खोल लें। यहाँ पर लिखा हो रहा है PM इंटर्नशिप योजना कोऑपरेटिव। यहाँ पर देखो सभी विषयों के बारे में बताया गया है, निर्देश वगैरह दे रखे हैं और मुद्राओं के बारे में, KYC के बारे में, व्यक्तिगत पहचान के संपर्क के लिए, शिक्षा विवरण, बैंकिंग, सब डिटेल इसमें दे रखी है। आप यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन, पूरा फॉर्म भरने की पूरी डिटेल दे रखी है और हम आपको एक एक करके पॉइंट सारी डिटेल बताते हैं फॉर्म आपको कैसे भरना है। सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है और इसके बाद में यहाँ से देखो दूसरे स्टेप में रजिस्ट्रेशन कहाँ से कराइए, क्रॉस का निशान बनाओ, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ सबसे पहले हिंदी करेंगे हम, और इसके नीचे जैसे ही नीचे दे रखे दूसरे स्टेप पर आएगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और साइड में लिखा हुआ है पीले वाले बटन पर, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है और रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे यहाँ पर नीचे बॉक्स आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ आगे आएगा आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपके पास OTP जाएगी। OTP जाने के बाद जैसे OTP जाएगी वो OTP लगानी है और आपको के लिए फिर आपको पासवर्ड अपडेट का ऑप्शन आएगा। आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपके पासवर्ड आएगी इस फॉर्म के पासवर्ड लगाने और उनको अपडेट कर लेना। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पर KYC वगैरह का ऑप्शन आएगा, आप आधार से KYC कर सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और ये डिजिटल लॉकर से पूरी डिटेल उठा लेगा, आपकी डिजिटल लॉकर से आपके नाम, पता, मोबाइल नंबर, सब पूरी डिटेल आपका वहीं से आ जाएगा। यहाँ पर फोटो वगैरह भी वहीं से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आधार की डिटेल पूरी KYC करते ही पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में दे रखा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसमें 4-5 स्टेप हैं, आपको पूरी एक एक करके कंप्लीट करनी है। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले भाई, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पर देखो जी, KYC के बाद में ये 6 स्टेप दे रखी है, ये सारी आपको कंप्लीट करनी होगी, बाद में आपका फॉर्म फिल होगा। ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जैसे निर्देश वगैरह सब दे रखे हैं, आपको किस टाइम कौन सी मार्कशीट लगानी है, यहाँ पर टेलते होगी योग्यता वगैरह, ITI वगैरह जो भी विवरण है आपका वो यहाँ पर चयन करना है आपको।
और जैसे आगे जैसे इस पढ़ते जाओगे आपका पूरा डिटेल आगे चली जाएगी। ये कंप्लीट फॉर्म हो गया है और यहाँ पर देखो कंप्लीट फॉर्म आ गया। यहाँ से मैच करके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और आपका पूरा फॉर्म भर के तैयार हो जाएगा। और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा देते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहाँ से हिंदी करते हैं लैंग्वेज को। पंजीकरण करने के लिए नीचे अभी पंजीकरण करें या अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाने हैं आपको। अपनी मोबाइल नंबर पर एंटर करने हैं। जैसे मोबाइल नंबर लगाते हो सबमिट जैसे ही करते हो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करना है फिर आपको। उसके बाद में आपके पास एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आ जाएगा और उनको संभाल के रखना है और आगे लॉगिन करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड चाहेंगे हमें। ये हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पासवर्ड अपडेट का ऑप्शन आ गया है। हमारे पास एक पहले एक मैसेज आएगा पासवर्ड का, वो पासवर्ड लगाने ऊपर की तरफ, फिर हमें जो भी नए पासवर्ड लगवाने हैं वो नीचे की तरफ लगा सकते हो और हमारे पूरे फॉर्म को अपडेट कर सकते हो। फिर आगे KYC करके आप पूरी डिटेल को वहाँ से फिल कर सकते हो। अभी तक हमारे पास वो मैसेज नहीं आया है, शायद धीरे चलने की वजह से वो अभी तक मैसेज नहीं आया है, पासवर्ड आए नहीं है हमारे पास। जो पासवर्ड आने के बाद में यहाँ पर एंटर करके वो न्यू पासवर्ड बना लेने अपने, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब भी आप लॉगिन करोगे बाद में तो आपके बनाए हुए पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो जो आपको परमानेंट याद रहते हैं। देखो हम लगा के देखते हैं पासवर्ड का, अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। हमारे हिसाब से जो भी पासवर्ड सेट करके देखते हैं, लग जाएंगे तो सही है, नहीं तो फिर मैसेज का आपको इंतज़ार करना है। मैसेज आने के बाद में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। मैसेज आते ही हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको पूरे फॉर्म को भरने के लिए पूरी डिटेल बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और लोगों को शेयर जरूर करें और हमारा नोटिफिकेशन भी चालू कर ले जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।